तो यहाँ मैं आपको एक कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ भाई, 790 ये मेरा एवरेज आया भाई 80 to 120 तक क्रूज करने का 5। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, की हलचल, सरेनु, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो आज अपन चल रहे हैं भाई आगरा, और आप लोग यही सोचते हो कि यार इसको आगरा के अलावा कुछ सोचता नहीं है कि हर बार ले आगरा आगरा आगरा। तो भाई क्या करें, पास में जो है ना अच्छी सिटी वही पड़ती है और सारे काम हमारे वहीं से निपटते हैं। तो भाई अभी निकल रहा हूँ मैं आगरा के लिए, टाइम हो चुका है सुबह 12:30 बजे। एक्चुअली मेरा आज का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ नहीं बता सकता, कुछ प्राइवेट चीज़ें होती हैं। तो अभी अपन बस वहीं जा रहे हैं, कुछ वो भी निपटाना है, और वो आपको लास्ट टाइम बताया था मैं नॉट काउंटिंग मशीन भी मेरे को चेंज करना भूल गया था, तो वो भी रख लिया है। और छोटा मोटा है LP से मेरे को मेरे कपड़े कलेक्ट करने हैं, लास्ट टाइम ले तो लिए थे मैंने, और उसको स्टिचिंग वगैरह के लिए कुछ अल्टर वगैरह के लिए मैंने डाल दिए थे, तो वो भी वहाँ से पिक करना है। और टाइम हो चुका है सुबह के 12:30, और मैं निकल चुका हूँ भरतपुर से, ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। और आज तो वैसे भी ट्यूसडे, तो अपना चिल डे है, मेरे को आते आते जाता के शाम को ना 7:30-8 बज सकते हैं, क्योंकि मेरा जो ट्रीटमेंट है वो बहुत लंबा चलता है। देन उसके बाद 2-3 काम है जो मैंने आपको बताया वो निपटाएंगे, फिर उसके बाद आ जाएंगे वापस। तो चलो जी, आज आपको फिर से लेके चल रहा हूँ मैं आगरा, और कुछ भी कोई क्रेजी चीज़ होती है तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ बने रहना मेरे साथ इस ब्लॉग में, और जितने भी मेरे ब्लॉग्स आपको पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करते रहा करो यार, इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं आपके लिए ब्लॉग्स डेली बनाता रहूँगा। तो चलो जी, अब निकलते हैं आगरा की ओर। One hour later. तो फाइनली अभी भाई लोगों पहुंच चुके हैं अपन अपने संजय पैलेस पर, और यहाँ पर एक्चुअली मेरा ट्रीटमेंट होगा। तो ट्रीटमेंट में ऑलमोस्ट यार अभी टाइम हो चुका है 2:156, तो मुझे ऑलमोस्ट यहाँ से फ्री होते होते 5 बज जाएंगे, 5 भी बज सकते हैं, 6 भी बज सकते हैं, कोई डराए नहीं है। तो चलो जी, पहले अपना अपन ट्रीटमेंट लेते हैं, देन उसके बाद ही कोई काम करेंगे। उसके बाद जाऊँगा भाई लोगों अपना नॉट काउंटिंग मशीन ठीक करवाने के लिए, देन मेरे को अपने कपड़े भी उठाने हैं, और एक बार वही लास्ट टाइम जा गए थे माई स्पेस, तो वहाँ से जाके भी कुछ मम्मी का सामान उठाना है, और उसके बाद हो सकता है 1% कि मेरे को फतेहाबाद की तरफ जाना पड़े, कुछ काम है मेरे को वहाँ पर। तो लेट्स सी कि अपने ऊपर टाइम कितना है, अपने पास टाइम कितना है, तो अपन टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ करेंगे। तो पहले जो काम है भाई मेन, वो काम करने आ गया हूँ, यहाँ गाड़ी पार्किंग के लिए मैं लगाने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद करते हैं, जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको अपडेट कर दूँगा। यहाँ से हो चुके फ्री, और देख ही पा रहे होगे यहाँ मैंने लिया एक छोटा सा हेयर कट बहुत ही बढ़िया तरीके से। एनीवेज भाई लोगों, टाइम हो चुका है 5:30, मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी संजय पैलेस, वहाँ से जाऊँगा सीधे डोमिनोज, फिर नॉट चेंज वाली जो मशीन है वो भी बदलनी है। थैंक यू भैया। तो चलो जी, अब निकला जाए यहाँ से, और ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे मेरे को 1.5 घंटा और लगेगा आगरा में, देन उसके बाद यहाँ से निकलूँगा। तो वही भाई 7:30-8 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। लिया रहा भाई अपना पैकेट LP से, फिर यहाँ से लेते हैं, निकलते हैं सीधा संजय पैलेस की तरफ। और कमेंट करके ज़रूर बताना भाई हेयर कट कैसा लगा आपको। बस हाँ जी, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं सीधा भरतपुर की तरफ, क्योंकि काम जो थे वो सारे निपट चुके हैं, नॉट काउंटिंग मशीन चेंज हो चुके हैं, अपॉइंटमेंट था जो डॉक्टर के वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, और जो मुझे LP से अपना बैग लेना था वो भी ले लिया। तो एक काम था जो रह गया डोमिनोज वाला, डोमिनोज एक्चुअली जहाँ मैं गया था वो रिनोवेशन पे था, तो डोमिनोज अभी बंद था वो वाला, तो बोले सर सिकंदरा वाले पर चले जाओ, वो मुझे बहुत दूर पड़ता। तो अभी मैं निकल चुका हूँ घर की तरफ वापस, 6 बज चुके हैं, 7 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा ऑलमोस्ट। तो भाई लोगों अपनी गाड़ी को लग चुकी है भूख, एवरेज शो कर रही है 12.6, और गाड़ी लग चुकी है रिजर्व में, इस टैंक में मेरी गाड़ी चल चुकी है भाई 795, और अभी 15 किलोमीटर और चल सकती है, ऑलमोस्ट आपको 800 किलोमीटर लगा के चलो। अब इसका एवरेज अपन कैलकुलेट करने वाले हैं, ये आ चुका है भाई रिलायंस का पेट्रोल पम्प, और यहाँ देखते हैं गाड़ी में कितना डीजल आएगा, उसके हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि गाड़ी अपनी क्या एवरेज दे रही है और क्या नहीं दे रही है। तो थोड़ा सा और आगे लेते हैं, चल। तो यहाँ कराने वाले हैं भाई अपन अपनी गाड़ी का टैंक फुल, और ये रीसेट कर चुके हैं 0, ठीक है भैया डालिए। अब मैं आपको एवरेज पे कैलकुलेट करके बता दूंगा कि गाड़ी क्या एवरेज दे रही है क्या नहीं दे रही।
तो स्टार्ट कर चुका है डीजल, तो ऑटो कट तो हुआ था भाई 65 लीटर पर, बट अपन करवाएंगे ऊपर तक तो ऑलमोस्ट 69-70 लीटर तो आ ही जाएगा आराम से भैया। करो करो जाने दो, नीचे जाने दो इसको। 6000 प्लस जा चुकी है गाड़ी अपनी, ऑलमोस्ट 68 लीटर तो हो चुका है, 70 आराम से आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो 68.10 हो गया। ये भाई ऊपर तक आ चुका है डीजल, आप देख लो, और डीजल आया भाई 68.22, 89 के ही अराउंड है, और ये अपन ने सेट कर दिया है। अब आप देख सकते हो भाई 795 किलोमीटर गाड़ी चली है और डीजल आया है 68.22। तो यहाँ मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ भाई, 795 डिवाइड बाई 68.22 भाई एवरेज आया 11.65, और ये मेरा एवरेज आया भाई 82-120 तक क्रूज़ करने का। ये मैंने एक्चुअली फुल जब टैंक करवाया था तभी ये रीसेट कर दिया था, अभी भी मैं यहाँ से रीसेट कर देता हूँ दोबारा। अब देखते हैं यार इस टैंक में गाड़ी अपनी कितना चलती है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो गाड़ी का एवरेज आया वो है 12 के अराउंड, और ये तब है जब गाड़ी मैंने 82-120 क्रूज़ करी है 4x4 ऑटोमेटिक। तो मैनुअल में तो भाई 1.5 का एवरेज और भी ज़्यादा आ सकता है आराम से। ये सीट बेल्ट का साउंड आ गया, बट कोई बात नहीं भाई, अपन तो अपनी ऑटोमेटिक में ही खुश हैं। और यहाँ अभी जो शो कर रही है वो हो रहा है 12.6 किलोमीटर पर आर लीटर, जो भी आप कह सकते हो 12.6 किलोमीटर पर लीटर पर अभी शो कर रहा है एवरेज, बट जो गाड़ी ने एवरेज दिया है वो ऑल ओवर 12 का दिया है। सो काफ़ी अच्छा एवरेज था यार, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जी तो आज भाई जिम का तो जाना हो ही नहीं पाया, क्योंकि बॉडी ने इतनी टायर्ड हो चुकी थी, टायर्ड क्या एनर्जी नहीं थी बॉडी के अंदर, क्योंकि सुबह मैंने कुछ खा के नहीं गया था, और वहाँ भी आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि कुछ जो खाना था ना वो मिला नहीं, और फिर उसके बाद ना लगा मन नहीं करता। अगर मैं, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं कुछ सोच लेता ना मुझे अगर ये खाना है और वही चीज़ अगर नहीं मिली तो फिर मेरा किसी चीज़ का खाने का मन नहीं करता। तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को तो ड्रॉप करो, कल लेके चलेंगे आप लोगों को जिम। एनीवेज भाई लोगों, आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, और फॉर्च्यूनर का एवरेज कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताना। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू मेरे भाई।